आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। पन्ना जिले के गुन्नौर की शासकीय प्राथमिक शाला रंजोरपुरा स्कूल से सट कर लगा बिजली का ट्रांसफार्मर कभी भी हादसे का कारण बन सकता है, जहां नन्हे नन्हे स्कूली बच्चे अक्सर खेलते खेलते जमीन से झूलते नंगे तारों तक पहुंच जाते हैं, जिससे बच्चों को करंट लगने का भय बना होता है। लेकिन विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं देते। ट्रांसफार्मर से नीचे की ओर नंगे तार लटकते हुए हैं, जिससे करंट लगने का खतरा बना हुआ है। स्कूल के शिक्षक द्वारा भी बताया गया कि हमारे स्कूल की खिड़कियों तक में कई बार करंट आया है, जिससे बच्चों के करंट के झटके महसूस हुए हैं। यह शासकीय प्राथमिक शाला रंजोरपुरा है और यहाँ स्कूल का प्रांगण है और प्रांगण में ही स्टे लगा हुआ है, जिसमें करंट आता है और इसमें बाउंड्री तो है नहीं है, तो भैंस भी आती है, तो वहाँ एक मर चुकी है और हमारे बच्चे को खेलते हुए भी यहाँ स्टे से झटका लग चुका है। तो आपने शिकायत कहीं पर की? हाँ, मैंने सूचना दी थी, शिकायत भी की थी, लेकिन अभी उसका स्टे का सुधार नहीं हो पाया है। और मैं तो यह चाहता हूँ ट्रांसफार्मर भी यदि स्कूल से यदि दूर चला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। कौन सा स्कूल है? शासकीय प्राथमिक शाला रंजोरपुरा है। क्या नाम है आपका, कौन से? मैं राजेश। यहाँ की लीडें जो है पूरी तरह से जल चुकी हैं, आए दिन ये लीडें गिरती रहती हैं, जिससे किसी की जान जाने का खतरा है। और इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक लीडें एक साल से ख़त्म है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। देवेंद्र नगर कोई अधिकारी नहीं आया, लाइन मैन आते हैं तो वो ऐसे ही करके चाहिए। ये है कि इधर पे देखिए नंगे तार डले हैं, इधर पे हमेशा करंट आता रहता है। एक आध दो बार मतलब शिकायत भी की गई है, लेकिन वो आते हैं तो बस इसका चेक करके चले जाते हैं, बोल देते हैं बस हो गया, अब नहीं आएगा करंट। इसके बाद भी करंट आता है, और अभी एक बच्चे के भी करंट लग गया था, एक भैंस भी ख़त्म हो गई थी इसी की वजह से। बच्चे के जब करंट लगा था तो सर ने शिकायत की थी, इसके बाद उन्होंने पावती भी रखी उनके पास, लेकिन आज तक कोई। छोटे छोटे बच्चे भी इधर पढ़ते हैं, स्कूल तक की खिड़कियों तक में करंट आता है। देवेंद्र नगर से रविकांत चतुर्वेदी की रिपोर्ट।